हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं बेसन के लड्डू। बनाने में बहुत ही आसान है और बेसन के लड्डू तो सभी के बहुत फेवरेट होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम बेसन के लड्डू बिना चाशनी और बिना मावा के बनाएंगे। आइए फ्रेंड्स, बेसन के लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली है एक कढ़ाई और इसमें हम डाल देंगे 1.5 कटोरी बेसन। आप कोई भी कटोरी या कप ले सकते हैं। 1 कटोरी और आधा कटोरी, हमने 1.5 कटोरी बेसन डाल दिया है। अब इसी कटोरी के नाप से हम घी भी डालेंगे। यहाँ पे हमने आधा कटोरी घी लिया है। आधा कटोरी को सारा नहीं डालेंगे, हमने थोड़ा सा घी बचा लिया है। पहले हम घी को और बेसन को मिक्स कर लेंगे। अभी हमने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है। देखिए, घी और बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। बेसन हमने बारीक ही लिया है, जो कढ़ी पकौड़ी के लिए यूज में लेते हैं वही बेसन हमने यूज में लिया है। और दानेदार लड्डू बनाने के लिए अब हम इसमें डाल देंगे 4 चम्मच सूजी। यहाँ पे मैंने 4 चम्मच सूजी भी डाल दी है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑन कर लेंगे और गैस के फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हमें अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए चला लेना है। जो गांठें बन गई हैं इसको हम इस तरह से खोल लेंगे ताकि सारा बेसन एक जैसा हो जाए। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे जैसे घी गर्म होगा, बेसन गर्म होगा, गांठें अपने आप घुलने लग जाएंगी। आज हम आपको बेसन के लड्डू बिना चाशनी बिना मावा के बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इनको आप 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। देखिए, बेसन को और घी को हमने बिल्कुल एक साथ कर लिया है। अब हमने जो आधी कटोरी घी में से भी बचा लिया था उसमें से हम थोड़ा सा घी और डाल देंगे। सारा नहीं डालना है, थोड़ा घी डालेंगे क्योंकि बेसन में घी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, नहीं तो जो हमारे लड्डू हैं वो बनते नहीं हैं, वो बहने लग जाते हैं। बेसन के लड्डू में बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती है। बहुत कम सामान के साथ में हम बहुत टेस्टी लड्डू बना सकते हैं। देखिए, बेसन का कलर चेंज होने लग गया है और बेसन जो है हमारा पहले से काफी पतला हो गया है, खुशबू भी आने लग गई है। अब हम जो बाकी का बचा हुआ घी है वो भी डाल देंगे। हमने सारा घी एक साथ इसलिए नहीं डाला क्योंकि बेसन पतला हो जाता है तो उसमें फिर कोई और इलाज नहीं होता उसको ठीक करने के लिए। और कम घी डाल करके हम बेसन को सेकते हैं तो एकदम परफेक्ट सिकता है और लड्डू भी बहुत अच्छे बनते हैं। देखिए, बेसन के लड्डू के लिए बेसन सिकने को आ गया है, काफी सॉफ्ट और स्मूथ भी हो गया है। अभी हम इसको 2 मिनट के लिए और सेक लेंगे। हमने फ्लेम को हाई या मीडियम नहीं किया है, लो मीडियम फ्लेम पर भी हमने पूरे बेसन को तैयार किया है सेक करके। अगर आप फूड कलर डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस स्टेज पर येलो फूड कलर ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर लगभग 1 पिंच के आसपास येलो फूड कलर ऐड किया है। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कीजिए वरना मत कीजिए। अच्छी तरह से फूड कलर को बेसन के साथ मिक्स कर देंगे। देखिए, फूड कलर डालने से बेसन का कलर चेंज हो गया है, बिल्कुल मार्केट के जैसे जो हमारे बाजार से लड्डू लेके आते हैं हम बेसन के हलवाई से, उसी तरह से ये लड्डू बनके तैयार होंगे और कलर भी एकदम परफेक्ट वैसा ही आने वाला है। बेसन के लड्डू के लिए बेसन बिल्कुल अच्छी तरह से सिक चुका है। अब जो जरूरी काम है बेसन के लड्डू बनाने के लिए, जिसको हमें और ज्यादा दानेदार बनाना है, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। आप थोड़ा सा पानी लीजिए, इस तरह से हाथ में हमें थोड़ा सा पानी लेना है और इस तरह छींटे दे देने हैं। इससे क्या होता है कि जो बेसन के अंदर दाना पड़ जाता है और ये जब हम खाते हैं तो बिल्कुल बाजार वाले लड्डूओं जैसा टेस्ट आने लग जाता है, बहुत मोटा मोटा दाना मुंह में आने लगता है। देखिए, एक बार मैं और इस तरह से डाल दूंगी, इस तरह छिड़क के डालें ताकि जो लड्डू में दाना है वो एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो जाए। ये देखिए, कितना खुला खुला और कितना दानेदार बेसन तैयार हुआ है लड्डू के लिए। इस स्टेज पर आप देख सकते हैं कि हमारा बेसन एकदम परफेक्ट हो चुका है। अगर आपको ऐसा लगता है घी कम है तो 1 चम्मच जो खाने वाला चम्मच होता है वो वाला 1 चम्मच घी और ऐड कर लें, ज्यादा नहीं करें नहीं तो बेसन पतला हो जाएगा। देखिए, कलर भी बढ़िया आ गया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। पर एक चीज का ध्यान रखें, ठंडा होने ऐसे ही ना रखें, बीच बीच में आप इसको चलाते रहें नहीं तो बेसन नीचे वाला जल जाएगा। देखिए, लड्डू बनाने के लिए बेसन हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है, ठंडा भी हो चुका है और कढ़ाई में हमने रखा रहने दिया था उससे इसका कलर भी एकदम परफेक्ट आया है। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डालिए वरना स्किप कर दीजिए। हमने यहाँ पे 2 इलायची कूट के रखी है। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो डाल दीजिए वरना स्किप कर सकते हैं।
मुझे इलायची का फ्लेवर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पे दो इलायची कूट के डाली है। साथ ही मैं डाल रही हूँ एक चम्मच कुटा हुआ पिस्ता, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही हमने डाल दिया है एक चम्मच कुटा हुआ काजू। ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल ऑप्शनल हैं, क्योंकि बेसन के लड्डू में हर कोई ड्राई फ्रूट नहीं डालता है। यहाँ पे हमने डाले हैं, अगर आप पसंद करते हैं तो डाल दीजिए, वरना स्किप कर दीजिए। आइए अब हम इसमें डाल देते हैं पिसी हुई चीनी यानी कि बूरा। अगर आपके पास में बूरा नहीं है तो आप इसमें चीनी पीस के भी रख सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं। हमने वही कटोरी ली है जिससे हमने बेसन और घी नापा था, उसी कटोरी से हमने एक कटोरी बूरा लिया है। ये फुल भर के नहीं है, थोड़ा सा खाली है। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। आइए सभी चीजों को अच्छी तरह से हाथ से मिला लेंगे। एक चीज का ध्यान रखें, जब तक बेसन पूरा ठंडा ना हो जाए तब तक इसमें बूरा नहीं डालें, क्योंकि बेसन में अगर हम चीनी डाल देते हैं गर्म में तो वो पानी छोड़ देती है। हमने यहाँ पे जो बूरा लिया है ये भी दानेदार लिया है, अगर आपके पास दानेदार नहीं है तो कोई बात नहीं है। ये देखिए बूरे को अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो इस स्टेज पर आप टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर आपको मीठा कम लगता है तो आप इसमें बूरा या चीनी और ऐड कर सकते हैं। आइए हमारे हिसाब से एकदम परफेक्ट है, लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। बेसन के लड्डू बहुत ज्यादा बड़े साइज के नहीं बनते हैं, छोटे छोटे साइज के बनते हैं। उसी हिसाब से हमने थोड़ा सा बेसन ले लिया है और देखिए इसको इस तरह से करके गोल कर लेंगे। आप साइज जैसा बनाना चाहें उस हिसाब से बना सकते हैं। इसी तरह से हम सारे बेसन के लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। देखिए हमने सारे बेसन के लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं, लुकिंग में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स रेसिपी को ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।